नमस्कार, मैं मोहम्मद रईस और आप देख रहे प्रकाश प्रभाव न्यूज। पेश है आज की प्रमुख खबर। पूर्व आईएएस सूर्य प्रताप सिंह पहुंचे लखनऊ के हजरतगंज थाने। सूर्य प्रताप पर कुछ समय पहले हजरतगंज थाने में दर्ज था मुकदमा। कल आईएएस सूर्य प्रताप को भेजा गया था नोटिस। कल भेजी गई नोटिस का आज जवाब देने पहुंचे सूर्य प्रताप सिंह। देखिए, सरकार ने मेरे विरुद्ध 11 जून को FIR दर्ज कराई थी कि मैंने एक ट्वीट लिखा था जिसमें कोरोना के टेस्ट की संख्या को मैंने चैलेंज किया था, टेस्ट कम क्यों हो रहे हैं, और चीफ सेक्रेटरी से सवाल पूछा था। सरकार को बुला लगा, सरकार ने मेरे खिलाफ FIR दर्ज कर दिया। उसके बाद 8 जुलाई को मेरे घर पे रात्रि 10 बजे, 10:30 बजे पुलिस आती है और मुझे खटखटाती है, मुझे जगाती है, तो मुझे एक नोटिस देती है 41A में। उस नोटिस का मैं जवाब देने आज IO साहब के पास आया था और मैंने अपने आप को प्रस्तुत किया कि भाई आप अगर चाहें तो मुझे गिरफ्तार भी कर सकते हैं, मेरा ये जवाब है। मुझे लगता है कि लोकतंत्र की अभिव्यक्ति की आज़ादी की ये लड़ाई है। पूर्व सरकार में मैं उठाता रहता और ये वर्तमान में सत्ता थी तो पूर्व सरकारों की जब बातें उठाता था ये खुश होते थे, पीठ थपथपाते थे। आज मैं अगर इस सरकार की समस्याएं उठा रहा हूँ, इश्यूज़ उठा रहा हूँ, आलोचना कर रहा हूँ, ट्विटर पर लिखता हूँ, तो सरकार को बुरा लग रहा है। सरकार मेरे खिलाफ़ FIR दर्ज करके मुझे कुचलना चाहती है। यही नहीं, इन्होंने एक FIR फिर और कर दिया मेरे खिलाफ जिसमें मैंने चाइनीज़ मीटर्स के बारे में उठाया था कि चाइनीज़ मीटर आप जो बिजली के मीटर हैं रिप्लेस कर रहे हैं आप देसी से, तो उसका कॉस्ट कौन वहन करेगा, उपभोक्ता क्यों करे और सरकार भी करे तो क्यों करे, ये प्रश्न उठाया था। ये मेरे खिलाफ़ जुलाई में इन्होंने FIR दर्ज कर दिया 10-11 जुलाई को।